हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुधा एक बिना माँ की बेटी, सौतेली सास कुंती और अपने पति विनोद के साथ रहा करती थी। सुधा एक बिना माँ की बेटी थी, तो वहीं विनोद भी अपनी सौतेली माँ कुंती के साथ रहता था। ऐसे ही एक दिन कुंती की पड़ोसन रेखा आती है और कहती है, सुधा बहू, अरे ओ सुधा बहू, कहाँ है तुम्हारी सास? कुंती दिख नहीं रही है, मंदिर गई है क्या तेरी सास? नहीं चाची जी, माँ जी और मंदिर कमाल की बात करती हैं। आप खुद ही बताइए, कब से आप इनकी पड़ोसन हो, लेकिन आज तक आप अपनी पड़ोसन को पहचान नहीं पाई हो। तुम्हारी सास कब क्या करती है कुछ नहीं पता चलता, इसलिए पूछ रही हूँ। और बता कैसी है बहू, तुझे तेरी सास कोई तकलीफ तो नहीं देती ना? अगर उस कुंती ने कुछ कहा है तो मुझे बताना, मैं समझाऊंगी। क्यों, आपको बताकर क्या होगा? आप मेरी रक्षा करेंगे मेरी सौतेली सास से? अब ये नौबत आ गई कि मैं खुद की रक्षा भी नहीं कर सकती एक बुरी औरत से। बहू, तू बिन माँ की बेटी और सौतेली सास की बहू है, बेचारी तेरी किस्मत में तो दुख ही दुख है। बिन माँ की बहू की सौतेली सास मिल गई है बेचारी। रेखा जब सुधा को बात बात पे ऐसे बेचारी बोल रही होती है, तभी कुंती गुस्से में उससे कहती है, हाँ यहाँ कौन बेचारी है इस घर में, और किसको दया आ रही है सुधा पर? जरा मेरे सामने आकर बताना, मैं भी देखूँ उस दयालु इंसान को। कोई भी नहीं है कुंती, मैं तो बस बोल रही थी, बिन माँ की बेटी है बेचारी, बस इतना ही बोला मैंने और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। अच्छा, और सौतेली सास किसको कहा? पड़ोस वाली को? वो किसी की सौतेली सास है? पूरे गांव में बस एक ही सौतेली माँ है और एक ही सौतेली सास है, और वो दोनों माँ और सास मैं ही हूँ। अब बताओ। कुंती बहन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने बोला, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम सौतेली हो तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अच्छा, तुझे बुरा नहीं लगता क्या अगर तेरे पीठ पीछे कोई तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बोले? और रेखा बहन, मैं तुम्हारी नहीं सुधा की बात से नाराज हूँ, इसने मुझे बुढ़िया बोला, पूछो इसको मैं बुढ़िया दिखती हूँ? हाँ बहू बोल, तुझे तेरी जवान सास बुढ़िया दिखती है क्या? देख अच्छे से कितनी कम सिन कर ली है, कोई भी देखे तो दीवाना हो जाए, समझी? अब दोबारा बुढ़िया मत बोलना। ठीक है चाची जी, आज के बाद मैं अपनी सास को कभी भी बुढ़िया नहीं बोलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बुढ़िया शब्द अब इनके लिए नहीं निकलेगा, बुढ़िया बोलना पाप है, समझ गई मैं। अरे बस कर, कितनी बार बुढ़िया बुढ़िया बोलेगी? अब तो मुझे शक हो रहा है तुम दोनों पे, कहीं तुम दोनों मिलकर मेरी टांग तो नहीं खींच रहे हो? हट पगली, तुम्हारी टांग खींचेंगे तो तुम गिर नहीं जाओगी। रेखा और सुधा कुंती का बहुत मजाक बनाते हैं और तीनों ऐसे ही बातें करते हैं। कुंती सुधा की सौतेली सास है, लेकिन किसी दोस्त से कम नहीं थी। कभी भी कहीं भी अगर उसकी बहू को तकलीफ हो या फिर उसे कोई रस्ते में छेड़े तो उसकी हालत खराब कर देती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन विनोद सुधा से कुछ बोल रहा होता है, तो वहीं कुंती बैठकर सुन रही होती है। सुधा, मैंने कहा था तुम्हें रोटी बनाने के लिए, लेकिन तुमने ये क्या खिचड़ी बना दी? मुझे कभी मेरी पसंद का खाना मिलेगा या नहीं इस घर में? क्या हो गया, आज एक दिन खिचड़ी खा लो, कभी कभी खिचड़ी खाना सेहत के लिए सही होती है, और वैसे भी ये वो मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे रोटी बना कर दो और सब्जी अच्छी तरह से बनाना, और ये खिचड़ी सिर्फ तुम ही खाओ। हाँ भाई, क्या दिक्कत है आपको, खिचड़ी क्यों नहीं खानी? मैंने बनाई है खिचड़ी, और इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा इस घर में, अभी जो भी बना है चुपचाप खा लो, ज्यादा नौटंकी मत करो। लेकिन माँ, मुझे रोटी ही खानी थी, और आप हमेशा सुधा की साइड मत लिया करो, बहू है आपकी, बेटी नहीं है, कभी भी धोखा दे सकती है आपको। ये बात तो तुमने 100% की सही बोली, ये किसी और की बेटी है, अपनी है नहीं, तो तू भी कौन सा मेरा सगा है? तू भी तो मेरी सौतन का ही बेटा है ना, फिर भी अपना बना कर रखा है ना तुझे? हाँ, तभी तो मैं कहता हूँ माँ, ठीक है आज मैं खिचड़ी खा लूंगा, आपने बनाया है इसलिए, वरना मैं कभी नहीं खाता ये खिचड़ी। अगर मैंने नहीं बनाया होता तो भी खाना पड़ता, और तू तो क्या, ये जो दीवार में टंगे हुए तुम्हारे पिता, अगर ये भी होते ना तो इन्हें भी यही खाना पड़ता। ऐसे ही कुंती अपनी बिन माँ वाली बहू को प्यार करती और उसके लिए अपने सौतेले बेटे से क्या पूरी दुनिया से लड़ पड़ती थी। ऐसे ही नोक झोंक के साथ दिन गुजरते हैं। ऐसे ही एक दिन कुंती अपनी बहू को बाजार लेकर जाती है और अपनी सास से सुधा कहती है, माँ जी चलो ना वहाँ चलकर पानी पूरी खाते हैं, आपको भी खाने का मन हो रहा है ना? बोलो बोलो, हो रहा है ना? हे भगवान, ये बहू जब भी बाजार आती है बस यही खाती है,
पता नहीं इस पानी पूरी में क्या है जो एक बार में 100 रुपया खा जाती है। माँ जी आप ना एक बार खा कर देखो, मजा आ जाएगा। एक बार पानी पूरी खा कर तो देखो, दोबारा खाने का मन करेगा। अगर मन नहीं किया दोबारा खाने का तो क्या होगा बताओ, कुछ अलग मिलेगा या नहीं, या बस मुझे पागल बना रही हो? माँ जी अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप पानी पूरी वाले भैया से पूछ लीजिए। भक इस कलवा से क्यों पूछूं? वैसे भी पानी पूरी बेचने के लिए मुझे ही बेवकूफ बनाएगा। कुंती की बात सुनकर सुधा हंसने लगती है, लेकिन वहीं कुछ दूर खड़ा पानी पूरी वाला अपनी शक्ल बिगाड़ते हुए कहता है, देखिए माँ जी आप दोनों अपने बीच में हमारी इस खूबसूरत चेहरे को मत लाइए, वरना हम कुछ बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, और वैसे भी आप बुजुर्ग हैं और हम बुजुर्ग की बेइज्जती करना नहीं चाहते। अरे ओ कलवा, मुंह में गुटका दबाकर खुद को नौजवान बताकर कौन सा एग्जाम देने जाएगा रे? और बुजुर्ग किसको कह रहा है, तुझसे छोटी ही दिखती हूँ मैं। रुको रुको टाइम प्लीज, उफ आप हमसे छोटी हो, कमाल करती हो माँ जी, बहुत मजाक किया हो आप, आपकी उम्र हो गई है और ऐसा मजाक आपको शोभा नहीं देता। चुप कर अब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुधा समझा दे इस कलवे को, वरना तुझे भारी पड़ेगा, पछताएगी बहुत, तेरी वजह से मुझे इस कलवे ने बुजुर्ग कहा। आप भी शांत हो जाओ माँ जी, आप क्यों खामखा इनसे बात किए जा रही हो, और बुजुर्ग ही तो कहा है, कौन सा गुनाह कर दिया इसने? तू होगी बुजुर्ग, मुझे मत बना। बड़ी आई मुझे बुजुर्ग कहने वाली, हट यहाँ से। कुंती को कोई भी बुजुर्ग कहता तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती, और उसकी बिन माँ वाली बहू हमेशा कुंती को ऐसे ही चिढ़ाती रहती। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक शाम जब विनोद, सुधा और कुंती अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसके घर रेखा आती है और कहती है, क्या बात है, आज तीन मूर्ति बैठकर कौन सी मूवी की डायरेक्शन कर रही हो, जरा मुझे भी तो बताओ। आओ बैठो पहले, और हाँ हम उस मूवी का डायरेक्शन कर रहे हैं जिस मूवी में आप हीरोइन हो, समझ गई आप? अरे कुंती बहन कितना ताना मारती हो, ऐसे ताने तो अपनी सौतन के बेटे की बहू पर भी मारा करो। खबरदार अगर ऐसा फिर दोबारा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विनोद भले ही मेरा खून ना हो, लेकिन मेरा बेटा है, और सुधा एक बिन माँ की बच्ची है, तो भला मैं उसके साथ ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकती हूँ। सच में कुंती बहन आप जैसी माँ और सास के लिए विनोद और सुधा ने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा, तभी तो आप मिली उनको। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किस्मत वाली हूँ, तभी तो इस कलयुग में भी मुझे राम जैसा बेटा और सीता जैसी बहू मिली है। लेकिन आपने बिन माँ वाली बहू को बहुत प्यार दिया है, ये सब देखकर बहुत अच्छा और गर्व महसूस होता है। आज इस दुनिया में भी बिन माँ की बहू की सौतेली सास इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। रेखा और कुंती की बात सुनकर विनोद और सुधा इमोशनल होते हुए कुंती के गले लग जाते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कुंती भले ही बिन माँ की बहू की सौतेली हो, लेकिन किसी की सगी सास भी इतना प्यार नहीं करती जितना सौतेली सास सुधा से प्यार और स्नेह किया करती थी। गुंजन के सामने उसकी सास सुधा की चिता जल रही थी। गुंजन का शराबी पति पेलू नशे में धुत पड़ा था। उसे देखकर गुंजन अपनी सास की कही बातों को याद करती है। बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ, भले ही तू एक गरीब की बहू है, पर मैं कभी तुझे कोई कमी नहीं होने दूंगी। जानती हूँ बेटा मेरे बेटे को पीने की गंदी आदत है, पर मैं हमेशा तुझे बेटी की तरह प्यार करूंगी। माँ जी आपने मुझ जैसे अनाथ को घर की बहू बना लिया, बस यही बहुत है। पति का प्यार ना मिले, माँ का प्यार तो मिल ही जाएगा ना, उसी के सहारे मैं अपनी जिंदगी बिता लूंगी। अपनी सास की इन बातों को याद करके गुंजन रोती हुई खुद से कहती है, माँ जी आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? एक आप ही तो थी जो मुझे समझती थी, मुझे प्यार करती थी, और आज आप भी चली गई। अब मैं अपने मन की बात किससे कहूंगी माँ जी? मेरा पति तो सारा दिन बस नशे में चूर रहता है, उसने आज तक मुझसे मेरा हाल तक नहीं पूछा। क्यों चले गए माँ जी आप? वापस आ जाओ माँ जी, वापस आ जाओ। सुधा के गुजर जाने के बाद से गुंजन की अपनी जिम्मेदारी उसके खुद के ऊपर आ गई थी। पेलू सारा सारा दिन नशे में धुत पड़ा रहता था, और बेचारी गुंजन आसपास के घरों में काम करके अपने और पेलू के लिए खाने पीने का इंतजाम करती। ऐसे ही एक शाम पेलू घर में पैसे ढूंढता हुआ बर्तन कपड़े इधर उधर पटक रहा था, तभी वहाँ गुंजन आती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? करना क्या है, पैसे चाहिए मुझे, वही देख रहा हूँ। कहाँ रखे हैं तूने? वो पैसे मेरे हैं और मैं आपको पैसे नहीं देने वाली।
अरे ऐसे कैसे नहीं देगी, दे मुझे, अपनी शराब खरीद कर लानी है। कुछ तो शर्म कीजिए, अरे आप और मैं खाना खा सके इसके लिए इतनी मेहनत करके कमा रही हूँ, लोगों के घरों पर जाकर काम कर रही हूँ, और आप, आपको मेरी कोई फिक्र है या नहीं? सारा सारा दिन आप बस नशे में ही धुत रहते हैं। मुझे बस मेरी शराब से मतलब है, और कोई चीज मेरी सगी नहीं है, तू भी नहीं। चुपचाप पैसे दे दे, नहीं तो ये घर के बर्तन भी बेच दूंगा मैं, और जरूरत आ गई तो तुझे भी बेच दूंगा, दे पैसे। अपने पति की बात सुनकर गुंजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पास जमा कुछ पैसों को पेलू को दे देती है, और पेलू वो पैसे लेकर शराब के ठेके पर जाता है, जहां उसे डैनी नाम का एक आदमी मिलता है जो पेलू से कहता है, अरे अरे आज फिर से सस्ती दारू पी रहे हो, ऐसे ही सस्ती दारू पियोगे तो जल्दी चलते बनोगे दुनिया से। तो क्या करूं भाई, जैसे पैसे हैं वैसे ही तो पियूंगा ना। अगर तुझे मालामाल बना दूं मैं तो कैसा रहेगा? कैसे बना देगा भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है। है तो सही तेरी बीवी, लगा दे उसे दाव पर। मैं कुछ समझा नहीं। अरे अपनी बीवी को मुझे दे दे, उसके बदले में मैं तुझे बहुत सारे पैसे दे दूंगा। तो उसका क्या करेगा? कुछ भी करो, तुझे तेरी दारू और पैसे से मतलब है ना? हाँ ये भी है, ठीक है ले जाओ उसे, मेरे तो वैसे भी किसी काम की नहीं है मेरी बीवी। ठीक है, कल आऊंगा तेरे घर तेरी बीवी को लेने के लिए। पैसे और शराब के लालच में पेलू डैनी से गुंजन का सौदा कर देता है। अगले दिन डैनी काफी सारे पैसे और शराब की बोतल लिए पेलू के घर आता है और कहता है, पेलू कहाँ है तू, ला अपनी बीवी मुझे दे दे और अपना पैसा ले ले। डैनी की आवाज़ सुनकर गुंजन बाहर आकर कहती है, कौन है आप और मेरे पति को किस बात के पैसे दे रहे हैं? और किस बात का दूंगा, अरे तेरे पति ने शराब के लिए सौदा किया है तेरा मेरे साथ, ये पैसा देकर तुझे अपने साथ लेने आया हूँ। डैनी इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पेलू आता है और डैनी के हाथ से शराब की बोतल लेकर फटाफट से पीने बैठ जाता है, और गुंजन कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं, और ये आदमी क्या कह रहा है, आपने मेरा सौदा कर दिया वो भी इस आदमी के साथ? हाँ कर दिया, क्योंकि तू वैसे ही थोड़े पैसे लेकर आती थी, उससे मुझे रोज रोज सस्ती दारू पीनी पड़ती थी, पर आज तू जाएगी तो बहुत पैसा आएगा, फिर मैं ब्रांड वाली बोतल पिया करूँगा, ले जाओ इसे। नहीं नहीं सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं, जैसी भी हूँ आपकी बीवी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी इज्जत हूँ। गुंजन पेलू के आगे चीख पुकार करती रह जाती है, पर पेलू उसकी एक नहीं सुनता। वहीं डैनी भी गुंजन को जबरन अपने साथ ले जाता है और उसके मुंह और हाथ पैर सब बांध देता है और अपनी वैन में बैठा लेता है, जिसके बाद वो उसे गांव से काफी किलोमीटर दूर अपने अड्डे पर ले जाता है, जहां जाकर गुंजन उसे कहती है, भगवान के लिए मुझे जाने दो, देखो तुम मेरे पति से अपने पैसे वापस ले लो और मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दो तुझे, इतनी मुश्किल से तो तू हाथ लगी है और कह रही है जाने दो, अब तो वो होगा जो मैं चाहूँगा, यहाँ तेरी सुनने वाला कोई भी नहीं है, जितने पैसे में मैंने तेरा सौदा तेरे पति से किया था ना, इससे भी ज्यादा की कीमत वसूल लूंगा। इतना कहकर डैनी वहाँ से चला जाता है और बेचारी गुंजन चीख पुकार करती रह जाती है, पर डैनी उसकी एक नहीं सुनता। कुछ दिनों बाद वो एक नए व्यापारी के हाथों मोटी रकम लेकर गुंजन का सौदा करता है। वक्त गुजरता है और गुंजन का कभी किसी तो कभी किसी के साथ सौदा किया जाता था। ऐसे ही एक दिन गुंजन रोती हुई खुद से कहती है, क्यों 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 भगवान, मैंने किसी का क्या बुरा किया था जो तूने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी जिंदगी को जीते जी जहन्नुम क्यों बना दिया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, आज यहाँ कल कहीं और, हर दिन क्या यही चलता रहेगा, इससे अच्छा था कि तू मुझे मौत दे देता भगवान, कम से कम मेरी यह हालत तो ना होती। ऐसे ही वक्त गुजरता है, गुंजन बस लोगों के हाथों की कठपुतली बन कर रह जाती है और बदनाम गलियों में खो जाती है। वहीं पेलू की हालत भी शराब पी पी कर खराब होने लगती है और गुजरते वक्त के साथ साथ उसकी तबीयत भी उसका साथ छोड़ देती है और उसे अपनी बीवी की याद सताने लगती है। एक दिन वो रोते हुए खुद से कहता है, ये सब मैंने क्या कर दिया, अपनी ही बीवी की तस्करी कर दी, कितना बड़ा पापी हूँ मैं, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, जिसकी इज्जत मेरे हाथ में थी उसे मैंने बस अपनी नशे की लत के चलते नीलाम कर दिया, अब कहाँ से वापस लेकर आऊँ अपनी गुंजन को, कहाँ होगी वो।
ऐसे ही एक दिन पेलू की मुलाकात फिर से डैनी से होती है और वो उसे कहता है, डैनी भाई मेरी बीवी कहाँ है? तुमने मुझे उस वक्त जितने पैसे दिए थे मैं सारे लौटा दूंगा, बस मेरी बीवी का पता दे दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे मेरी गुंजन वापस से दे दो। मुझे नहीं पता वो कहाँ होगी कहाँ नहीं, हाँ एक पता दे सकता हूँ, तुम वहाँ जाकर देख लो, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो भूल जाना अपनी बीवी को। इतना कहकर डैनी पेलू को एक एड्रेस देता है जो कि एक कोठे का था। पेलू जैसे तैसे करके शाम को कोठे की महफिल में जाता है और गुंजन की फोटो कोठे की मालकिन रसीली बाई को दिखाता है और गुंजन से मिलने के लिए उसे रकम देता है, जिसके बाद वो गुंजन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है जहाँ गुंजन पेलू को देखकर हैरान होती है और पेलू कहता है, गुंजन मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया बहुत गलत किया, तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे देना, बस अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारा होना मेरे लिए कितना जरूरी है, मुझे माफ कर दो गुंजन, मुझे माफ कर दो। आपने आने में बहुत देर कर दी, मैंने आपका बहुत इंतजार किया, पर अब तो मैं चाह कर भी आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अब किसी और दुनिया में जा रही हूँ, आपने बस मेरी ही नहीं, मेरी इज्जत, मेरे सम्मान, मेरी रूह की भी तस्करी कर दी, अलविदा। इतना कहकर गुंजन जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। अपने हालातों से दुखी होकर गुंजन ने जहर खा लिया था। गुंजन पेलू की आंखों के सामने ही तड़प कर अपना दम तोड़ देती है और पेलू कुछ नहीं कर पाता। रोहित अपने दोस्त के साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर रहा था, तभी रोहित नौकर को आवाज देता है, मोहित मोहित। जी साहब। मोहित मेरा दोस्त आया है, जूस ला दो। जी साहब। इस तरह मोहित जूस लेने के लिए चला जाता है तो वहीं रोहित का दोस्त रोहित से कहता है, यार रोहित तेरी नौकरों से इतनी तमीज में बात कैसे कर लेता है? यार इज्जत देने से इज्जत बढ़ती है, और अगर हम सामने वाले को इज्जत देंगे तो हमें भी इज्जत मिलेगी। पता नहीं यार, पर मैं तो इन जैसों से बात करना भी नहीं पसंद करता, इनकी क्या औकात है हम लोगों के सामने। रोहित का दोस्त ये सब बोल रहा था, लेकिन उसकी ये सारी बातें मोहित सुन लेता है और उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, माफ करना साहब, लेकिन जिस आदमी को गरीब बोल रहे हैं ना, उस गरीब का अमीर ससुराल है। अच्छा, कितना बड़ा ससुराल है तेरा, बता तो जरा। काव्या सिंघानिया का नाम सुना है ना, वही मेरी पत्नी है। अच्छा सही है बेटे, सही सपने है तेरे और बहुत अच्छे से बिक रहा है तू, अगर वो तेरी बीवी है तो कटरीना मेरी बीवी है। रोहित भाई तेरे नौकर के सपने सच में बहुत बड़े हैं, उसको बोल थोड़ा नीचे आ जाए और अपनी जैसी किसी को ढूंढ ले। खैर मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। ठीक है, दोबारा आना। यस ब्रो। रोहित का दोस्त चला जाता है और अब रोहित मोहित से कहता है, मोहित वो नौकरों की इज्जत नहीं करता, हर इंसान मेरे जैसे नहीं होता, इसलिए उसके सामने तुम कम ही बोलना। आई होप कि तुम समझ रहे होंगे। पर मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं आपको अपनी शादी की फोटो दिखाता हूँ, देखिए साहब। अरे हाँ, ये तो तुम्हारी वाइफ है, लेकिन जब तुम्हारी इससे शादी हुई है तो तुम यूं इस तरह। बहुत बड़ा रीजन है साहब। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, आज से एक महीने पहले की बात है। काव्या अपनी माँ सरोज के साथ रहा करती थी। काव्या काफी अमीर लड़की थी और खुद का बिजनेस संभालती थी। ऐसे ही एक दिन काव्या के ऑफिस में एक लड़के से काव्या की टक्कर होती है। उस लड़के का नाम मोहित था। मोहित उसके ऑफिस में चाय बनाने का काम करता था। उससे उसकी टक्कर होने पर काव्या उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, यू ब्लडी हेल, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, अंधे हो? माफ करना मैडम, लेकिन ध्यान आपका नहीं था यहाँ पर, मेरी गलती नहीं है। उसकी ये बात सुन काव्या कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ये सब देखकर मोहित अपने दोस्त से कहता है, कौन है ये यार? अरे भाई, ये हमारे ऑफिस की ओनर है। क्या, ये है ओनर? बड़ी घमंडी है भाई। हाँ भाई, पर ये घमंडी नहीं है और ना ही ऐसे रिएक्ट करती है। सर और मैडम परेशान है तभी इन्होंने ऐसा रिएक्ट किया है। खैर जो भी है, अभी फिलहाल काम कर ले। इतना बोलकर अब दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। लेकिन सोहन की बात मोहित के दिमाग में घर कर गई थी, लेकिन वो करता भी क्या। काव्या एक ऑनर और मोहित एक मामूली चाय बनाने वाला। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन मोहित काव्या के कैबिन में चाय लेकर जाता है और उससे बोलता है, काव्या मैडम, काव्या मैडम। मोहित के बार बार आवाज लगाने पर भी काव्या कोई जवाब नहीं देती, लेकिन मोहित को किसी के सिसकने की आवाज आती है और जब वो काव्या के वॉशरूम की तरफ जाता है तो देखता है कि काव्या काफी रो रही है।
उसको देखकर मोहित उसके पास जाकर उसे संभालते हुए कहता है, काव्या मैडम क्या हुआ? उसके इतना बोलते ही काव्या उसके गले से लग जाती है और रोने लगती है। मोहित उसको उस समय तो संभाल लेता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता है कि काव्या को अब किसी की जरूरत है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और मोहित और काव्या की दोस्ती हो जाती है, पर काव्या काफी परेशान रहा करती थी। मोहित के बार बार कहने पर भी काव्या मोहित को कुछ नहीं बताती और एक शाम वो अपने घर पर था। आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से काव्या इतनी परेशान है? जो भी है मुझे उनसे एक बार बात तो करनी ही होगी। वो खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके पास काव्या का कॉल आता है और काव्या उससे कहती है, हेलो मोहित। जी मैडम बोलिए। मुझे मैडम मत बोलो प्लीज। पर वर कुछ नहीं। अच्छा वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए ना। वो दरअसल कल की तुम्हारी छुट्टी है। पर क्यों? क्योंकि कल तुम मेरे साथ रहोगे। इतना बोलकर अब काव्या कॉल कट कर देती है और अगली सुबह मोहित और काव्या कॉफी शॉप में मिलते हैं, जिसके बाद काव्या मोहित का हाथ पकड़ कर उसे थैंक यू कहती है। मोहित थैंक यू। लेकिन क्यों? कल मैं रो रही थी और तुमने मुझे संभाला। पर तुम रो क्यों रही थी? आखिर तुम्हारे रोने की क्या वजह हो सकती है? तुम्हारे पास तो किसी चीज की कमी भी नहीं है। तो फिर लोगों को बस यूं ही लगता है कि हम लोगों के पास बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन हम अमीर लोग कैसे रहते हैं कैसे नहीं ये कोई नहीं जानता। मतलब ये है कि हाँ मैं अमीर हूँ, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अगर मेरी जिंदगी में किसी की कमी है तो वो है सुकून। तुम्हें पता है मेरे बाबा बहुत पहले ही गुजर गए थे और माँ ने ही मुझे पाला पोसा है, और जब मैं बड़ी हो गई तो माँ ने पापा का बिजनेस संभाल लिया, लेकिन इन सब में मैं बहुत अकेली पड़ गई। उसके बाद मेरी लाइफ में एक अच्छा दोस्त भी आया, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया और मैं फिर से अकेली हो गई। जब मैं अपने अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाई तब तुम आए मुझे संभालने, और सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, शादी करना चाहती हूँ। आप मेरी मैडम हो और मैं एक चाय वाला, भला मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ मोहित तुम काफी पढ़े लिखे हो, लेकिन अभी तुम मजबूर हो और मेरे ऑफिस में नौकरों वाला काम कर रहे हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें कहीं जॉब ना मिलने पर तुमने ये काम शुरू किया क्योंकि तुम्हारी माँ गाँव में बीमार है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? मोहित हम अपने ऑफिस में यूं ही किसी को भी काम पर नहीं रखते, लेकिन सच में मुझे तुम्हारे स्टेटस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरोज मैडम। माँ की चिंता मत करो तुम, मैं हूँ ना मैं उन्हें मना ही लूंगी, बस तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कहीं ना कहीं मोहित भी काव्या को पसंद करता था, इसीलिए वो उससे शादी को राजी होता है, जिसके बाद काव्या और मोहित दोनों ही कोर्ट मैरिज करते हैं। और अब जब काव्या मोहित को लेकर अपने घर आती है तब वो अपनी माँ सरोज से कहती है, माँ ये मोहित है। मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने ऑफिस का नौकर है, लेकिन तुम दोनों ऐसे गले में वरमाला लिए क्यों घूम रहे हो? और काव्या तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों भरा है? हाँ माँ, और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। क्या तुझे शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? अरे लोगों को पता चलेगा कि मेरी बेटी जो कि एक बिजनेस वुमन है उसने लव मैरिज किसी नौकर से कर ली है, तो उनको क्या जवाब दूंगी मैं? माँ क्या हुआ अगर मोहित हमारे ऑफिस का नौकर है तो? चल ठीक है मैं इसको अपना और इस घर का दामाद बना लूंगी, लेकिन अगर इसको मेरा दामाद बनना है तो पहले इसको एक 5 महीने के अंदर 1,00,000 रुपए इकट्ठा करके दिखाना होगा। अगर इसने ऐसा कर दिया तो मैं मान जाऊंगी कि ये तेरे काबिल है और तूने अपने एक अच्छा और ईमानदार लड़का चुना है। बोलो क्या तुम्हें मंजूर है मेरी शर्त? मंजूर है। पर मोहित तुम कैसे? तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो बस फिर बेफिक्र रहो, ये थी मेरी कहानी साहब। तुम्हारी कहानी ने तो मेरे दिल को छू लिया। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम इतने पढ़े लिखे हो तो तुम किसी अच्छी जगह नौकरी क्यों नहीं करते? साहब मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ ना, इसीलिए मुझे कोई रखता नहीं है, और आज की दुनिया में डिग्री नहीं बल्कि चेहरे की वैल्यू होती है। और पहले मैं अपनी माँ के लिए कमाता था, पर अब मैं अपनी पत्नी के लिए भी कमाता हूँ। कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे घर के साथ मेरे ऑफिस को भी मैनेज करोगे और तुम्हारी मंथली सैलरी 30,000 होगी। उसकी बात सुनकर अब मोहित काफी खुश होता है, जिसके बाद अब वो लगन के साथ काम करने लगता है। और अगले 5 महीने से पहले ही मोहित काव्या की माँ के हाथों में 1,00,000 रुपए ला कर रख देता है और उससे बोलता है, मैडम ये आपकी शर्त के अनुसार पैसे, मैंने अपनी शर्त पूरी की,
इतने ईमानदार लड़के को देखकर सरोज काफी खुश हो जाती है, तो वहीं अब काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सरोज खुद अपनी बेटी का हाथ मोहित के हाथ में देती है और कुछ दिनों बाद अब मोहित अपनी माँ को गांव से शहर ले आता है और उनका इलाज करवाता है, जिसके बाद सरोज काव्या और मोहित की धूमधाम से सभी के सामने शादी करवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।